गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए बेटा, पिछली वीडियो में आपने वर्ण पढ़े जिनमें स्वर और व्यंजन के भेद पढ़े, ठीक है। आज आपका टॉपिक है उच्चारण स्थान। क्या पढ़ेंगे? उच्चारण स्थान, ठीक है। उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान क्या हैं? मान लीजिए अपन वर्ण का उच्चारण करते समय, जिभ्या जिस स्थान का स्पर्श करती है अथवा पूर्ण संयोग प्राप्त होता है या पूर्ण संयोग प्राप्त करती है, वह क्या होता है? उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान यानी उच्चारण है, इसमें कौन कौन से शब्द हैं, कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय, कौन सा धातु है? तो इसमें उत उपसर्ग है, शर धातु है और लयुटे प्रत्यय है, ठीक है। उत क्या है? उपसर्ग है। उत क्या है बेटा? उपसर्ग है। चर क्या है? धातु है। और लयुट क्या है? एक प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय, ठीक है। इन तीनों से उपसर्ग, धातु और प्रत्यय, इन तीनों से मिलकर के उच्चारण शब्द उत्पन्न होता है, ठीक है। त प्लस च यानी यहाँ संधि करें तो सचो संधि होती है, तय के स्थान पर चय हो जाएगा। और लयुटिक प्रत्यय है, इसके लय और टय का इस संज्ञा से लोप हो जाएगा और यू शेष होगा। यू आर नाकाउ सूत्र से अन इसका शेष होता है, यू के स्थान पर अन हो जाता है और क्या बनेगा? उच्चारण, ठीक है। इसके बाद उच्चारण की परिभाषा लिखेंगे। उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान की परिभाषा है, वर्ण का उच्चारण करते समय, वर्ण का उच्चारण करते समय जिभ्या जिस स्थान का स्पर्श करती है अर्थात पूर्ण सहयोग प्राप्त करती है, वह उच्चारण स्थान है। ध्यान से देखें, यानी वर्ण का उच्चारण करते समय, किसका उच्चारण करते समय? वर्ण का उच्चारण करते समय क्या? जिभ्या यानी कि जीव, मुंह के अंदर जो जीव होती है, जिभ्या जिस स्थान का स्पर्श करती है, यानी कि जो जीव है वो तालु का स्पर्श करती है, दांतों का स्पर्श करती है, यानी तालु का स्पर्श करे, तालु है किसका? कंठ का से ध्वनि, कंठ, दांतों से स्पर्श करती है, दंत, मूर्धा, ओष्ठ। कहने का मतलब जो जिभ्या होती है वो जिस स्थान को स्पर्श करती है अर्थात पूर्ण संयोग प्राप्त करती है, वह क्या कहते हैं? उन्हें उच्चारण स्थान कहते हैं। वह उच्चारण स्थान हैं। उच्चारण स्थान कितने हैं? उच्चारण स्थानों की संख्या 8 बताई गई है।
ठीक है। पानी के द्वारा कितने बताए गए हैं, आठ है। उच्चारण स्थान उच्चारण स्थानों की संख्या उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी बताई गई है, आठ। कितने उच्चारण स्थान हैं, आठ। आठ उच्चारण स्थान बताए गए हैं। उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है, आठ। ठीक है, जैसे पहला है कंठे तालु मूर्धा दंते कंठ तालु मूर्धा दंते ओष्ठे नासिका सात है जिभ्या मूले और आठ है उर। ठीक है, उच्चारण स्थान किसे कहते हैं, वर्ण का उच्चारण करते समय जिभ्या जिस स्थान का स्पर्श करती है अर्थात उसे अर्थात पूर्ण सहयोग प्राप्त करती है वह क्या कहते हैं, उच्चारण स्थान है। उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी बताई है, आठ। कौन कौन से हैं, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ नासिका जिभ्या मूल और उर, ये आठ होते हैं। अब इनके अंतर्गत जैसे कंठ है तो कंठ से जो वर्ण निकलते हैं वो कंठ कहलाते हैं। तालु जिनका जिभ्या का स्पर्श तालु से होता है दांतों के ऊपर, मूर्धा ठीक है, मूर्धा यानी कि दांतों के ऊपर जो तालुआ से स्पर्श करती है जीभ, तालु मूर्धा यानी कि दांतों से थोड़े से ऊपर जो जीभ स्पर्श करती है उन्हें मूर्धा, दंत यानी दांतों के स्पर्श करती है, ओष्ठ दोनों होठों से किया जाता है जिसका उच्चारण उन्हें ओष्ठ वर्ण कहते हैं, नासिका जिनका नाक से उच्चारण होता है, जिभ्या मूल्य जिभ्या के मूल से और उर होते हैं श्वसन तंत्र होते हैं ये। ठीक है, तो इन्हें इस डिटेल से पढ़ेंगे, कंठ के अंतर कौन कौन से वर्ण आते हैं, तालु के अंतर कौन से वर्ण आते हैं, मूर्धा के अंतर कौन से आते हैं। तो देखें एक एक पहला है कंठ, ठीक है, कंठ का सूत्र है आकु है विसर जनिया नामे, आकु है विसर जनिया नामे कंठ है। ठीक है, आकु है विसर जनिया नामे कंठ है। ऐसे देखें एक का मतलब होता है ए और आ, इन दोनों का उच्चारण किससे होता है, कंठ से। ठीक है, कु का मतलब होता है क वर्ग, कु का मतलब क्या होता है बेटा, क वर्ग। क वर्ग के अंतर्गत क ख ग घ और ने आते हैं। ठीक है, को का मतलब हो गया। इसके बाद है का मतलब है और बच रहा है क्या, विसर्ग, इसका हो जाएगा विसर्ग। ठीक है, तो कंठ के अंतर कौन, आपसे पूछा जाए कि कंठ के अंतर कौन कौन से वर्ण आते हैं, ए आ के ख ग घ ने है और विसर्ग, इनका उच्चारण किससे होता है, कंठ से होता है। ठीक है, नंबर दो है तालु, कंठ तालु, तालु का सूत्र है ईचुए सानाम, ईचुए सानाम तालु, ईचुए सानाम तालु।
इसके अंतर्गत देखें कौन कौन से शब्द हैं। जैसे आपके सामने ई है, ई का मतलब होगा छोटी ई और बड़ी, दोनों ई किसके अंतर्गत आएंगे, तालु के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद चू है, चू का मतलब होता है चै वर्ग, क्या होता है चै वर्ग, चै वर्ग के अंतर्गत पांच वर्ण आएंगे, कौन कौन से आएंगे, चै, छै, जै, झे और ने, ठीक है बेटा। इसके बाद आगे देखेंगे ये और आगे है से, ठीक है। तो आपसे पूछिए तालु के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो ई, ई, चे वर्ग, चे, छे, जे, झे, ने, ये और से, इनका उच्चारण किससे होता है, तालु से होता है। इसके बाद तीसरा मूर्धा, मूर्धा, मूर्धा का सूत्र होता है ऋतु रे सानाम, ऋतु रे सानाम मूर्धा, ऋतु रे सानाम मूर्धा, ठीक है। अब इस री का मतलब होता है वही छोटी री और बड़ी री। इसके बाद टू का मतलब होगा टे वर्ग, टू का मतलब क्या होगा टे वर्ग, टे वर्ग के अंदर वही पांच वर्ण आएंगे, टे, ठे, डे, ढे और ने, ठीक है। रे और से, रे और से, इसका भी उच्चारण मूर्धा के अंतर्गत इन वर्णों का, कौन कौन से वर्ण है, री, बड़ी री, टे वर्ग यानी टे, ठे, डे, ढे, ने, रे और से, इनका उच्चारण किससे होता है, मूर्धा से होता है। इसके बाद चौथा है दंत, लिरी तू ले साना में, लिरी तू ले साना में दंत या दंता, लिरी तू ले साना दंता। इसमें देखें लिरी का मतलब होता है लिरी, ठीक है, लिरी छोटी बड़ी होती नहीं है, एक लिरी होती है। तू का मतलब ते वर्ग, ते वर्ग में वही ते, थे, दे, धे और ने। बचा ले और से, इनका उच्चारण किससे होता है, दंत से। नंबर पांच है ओष्ठ, क्या है ओष्ठ, जिनका उच्चारण होठों से होता है। सूत्र है उपूपे, उपूपे धे, उपूपे धे मानिए उपोपद है, ये मानिया नाम ओष्ठ है, उपोपद है ये मानिया नाम है, नाम है ओष्ठ है, ठीक है। उ का मतलब होगा छोटा ऊ और बड़ा ऊ, पो का मतलब होगा पै वर्ग, पै वर्ग के अंतर्गत पै, फे, बे, भे और मे, ठीक है। और उपोधमानीय का मतलब होता है ये अर्धविसर्ग बोलेंगे इन्हें, पै से पहले ये अर्धविसर्ग फे, पै और फे से पहले ये अर्धविसर्ग होते हैं, इनका उच्चारण होता है, ठीक है। जैसे नी है पाप, जैसे नी है पाप ऐसे लिखते हैं, ये विसर्ग होते हैं पाप, ठीक है।
इनके लिए पे और फे से पहले ये अर्धविसर्ग होते हैं, उसने उपोद्मानी बोलते हैं। ठीक है, ओष्ट हो गया। इसके बाद इधर देखें नासिका, अगला है नासिका, जिनका उच्चारण नाक से होता है। सूत्र है एम ए ने ने ना नाम है नासिका से। ठीक है, अब इनमें क्या है, पांचों वर्ण अनेक खाली आ जाएंगी, ने में ने ने और ने। ठीक है, इसके बाद है कंठोष्ट, कंठ और ओष्ठ। कंठोष्ठ यानी कि दो उच्चारण स्थान हैं, एक तो कंठ है और एक ओष्ठ है, इन दोनों से मिलकर बनता है कंठ और ओष्ठ। कंठ में ए है और ओष्ठ में उ। क्या है, उ है ओ दउताउ, या अपन पहले कंठ तालु लिख सकते हैं, कंठ तालु। कंठ तालु में कंठ और तालु ए और ई, ए और ई बराबर ए होगा, क्या हो जाएगा, इसका सूत्र होता है ए दई तो, ए दई तो कंठ तालु। ए का मतलब ए और दे में आई की मात्रा है, तो ए और आई का उच्चारण किससे होता है, कंठ तालु से। इसके बाद कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। ठीक है, उसी प्रकार कंठ तालु था, दो उच्चारण स्थान थे, इसमें कंठ और ओष्ठ है, एर ऊ है, ओ दऊ तो, ओ दऊ तो कंठोष्ठ, ओ दऊ तो कंठोष्ठ क्या आ जाएगा, ओ और औ, इनका उच्चारण किससे होता है, कंठोष्ठ होता है। नंबर है 9 दंतोष्ठ, दंतोष्ठ इसका सूत्र है वकारस्य दंतोष्टम, वकारस्य वकारस्य दंतोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम। अब इसका में केवल वे का उच्चारण किससे होता है, दंतोष्ट के अंतर होता है, जिभ्या मूल्य, जिभ्या मूल है, जिभ्या मूलस्य, जिह्वा मूलस्य, जिभ्या मूलम च। मूलम च इसमें क्या है, कैसे पहले अर्धविसर्ग और कैसे पहले अर्धविसर्ग होते हैं, इन्हें जिभ्या मूल्य बोलते हैं। ठीक है, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ नासिके, कंठ तालु कंठोष दंतोष्ठ और जिभ्या मूल्य, इनका उच्चारण है, यानी कंठ के अंतर्गत ये वर्ण आते हैं, तालु के अंतर्गत ये वर्ण होते हैं, मूर्धा के अंतर्गत ये होते हैं, दंत के अंतर्गत लिरि तुलसा नाम दंता, लिरि तय थे दे देने ले और से होते हैं, ओष्ठ के अंतर्गत ऊ पे पे वे वे में पे और फे अर्धविसर्ग होते हैं। ठीक है, इधर नासिका है, जिनका उच्चारण नाक से होता है। ठीक है, अनेक खालियाँ हैं सभी, कंठ तालु, कंठ और तालु दो उच्चारण स्थान है, ए और आई का उच्चारण किससे होता है, कंठ और तालु से, कंठोष्ठ ओ और औ का उच्चारण किससे होता है, कंठोष्ठ से होता है, दंतोष्ठ वे का उच्चारण दंतोष्ठ, और जिभ्या मूल्य यानी कि जो
कैसे पहले अर्धविसर्ग होते हैं, कै और कैसे पहले उनका उच्चारण किससे होता है, जिभ्या मूले से होता है। तो ये आज का आपका ये टॉपिक था उच्चारण स्थान, ये पूर्ण होता है और आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।